हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। आज आपके साथ मनी प्लांट या पोथोस की जानकारी शेयर कर रहा हूं। बहुत ही सुंदर वेरीगेटेड पत्तियां होती हैं इस पौधे की और बहुत सारी वेराइटीज़ भी इसमें पाई जाती हैं जो आप अपने घरों में लगा सकते हैं। और इस पौधे को आप पानी में या सॉइल में दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब भी इसको आप प्लेस करें ऐसे स्थान पर प्लेस करें जहाँ पर पूरे दिन की धूप ना रहती हो। इसको सुबह या शाम की धूप मिलनी चाहिए, ऐसी जगह पर रखें। अगर आप पूरे दिन की धूप पर इसको रख देते हैं तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपने इसको सॉइल में लगा रखा है तो आप इसकी हर 4 महीने पर अच्छे से गुड़ाई कर दें और उसके बाद इसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट दे दें हर 4 महीने के अंतराल पर, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसके अलावा इसकी जो कटिंग या इस पौधे को लगाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो बसंत ऋतु या बारिश का होता है। इस समय इसकी कटिंग या पौधे को लगाना चाहिए। बहुत तेज़ धूप में या बहुत तेज़ ठंड में इन पौधों को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए कुछ और भी वैरायटीज़ आती हैं इसमें। ये देखिए मार्बल क्वीन पोथोस है और बहुत सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं। मैंने छोटी सी एक कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से ग्रो हो गई हैं। इसके अलावा और भी मेरे पास 2-4 वैरायटी के पोथोस हैं। ये देखिए इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है इस वक्त, एन्जॉय पोथोस है शायद। और ये भी देखिए मैंने लगाया था, ये मेरे पास और भी पॉट हैं उनमें लगा हुआ है। इसके अलावा एक और वैरायटी है मेरे पास जिसमें केवल ग्रीन लीव होती हैं और इसमें वेरिगेशन ना के बराबर होता है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। और ये देखिए सारी ग्रीन ही पत्तियां रहती हैं इसमें। ये है, इसका नाम मैं नहीं जानता यह कौन सा पोथोस है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग ज़्यादातर लगाते हैं वो गोल्डन पोथोस जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, उसमें भी छोटी पत्तियों वाला भी एक गोल्डन पोथोस आता है और वो बड़ी पत्तियों वाला पोथोस था जो मैं आगे आपके साथ अभी शेयर करूँगा। इन सभी पौधों को एक ही तरीके से ग्रो करना होता है और एक ही तरीके से इनकी केयर करनी होती है। इसके अलावा इस पौधे को ये देखिए, ये गोल्डन पोथोस है और जितनी ज़्यादा इस पर ब्राइट सनलाइट पड़ती है उतनी ज़्यादा अच्छे से इसकी पत्तियों पर वेरिगेशन आपको दिखता है। और ये देखिए एक वैरायटी और है, इसमें वाइट कलर ज़्यादा होता है और येलो कलर का शेड इसमें कम पड़ता है। ये भी एक वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है मैं नहीं जानता, शायद ये भी गोल्डन पोथोस ही है और इसकी पत्तियाँ छोटी रहती हैं। लेकिन जो बड़ी वैरायटी का पौधा होता है उसको अगर आपने छोटे पॉट में लगा दिया है तो धीरे धीरे वो भी अपनी पत्तियों को छोटा कर देता है, फिर उसमें बड़ी पत्तियाँ नहीं निकलती हैं। और बड़ी पत्तियाँ आपके पौधे में निकलें तो उसके लिए आपको उसको बड़ा पॉट देना होता है कि उसकी रूट अच्छे से फैल सकें। और आपने देखा होगा किसी पौधे पर, नीम के पौधे पर या किसी अन्य पौधे पर जो पौधे लगे होते हैं वो ये देखिए, या फिर इस दीवार से देखिए टच है और इसकी एरियल रूट इसी दीवार में या पौधे पर चिपक जाती हैं और उसके बाद इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पौधे से मिलता है या दीवार से मिलता है, जो आप पॉट में न्यूट्रिशन देते हैं उससे तो मिलता ही है। तो इसके पत्ते बड़े होने लगते हैं, लेकिन अगर इसी को आप बहुत छोटे से पॉट में लगा देंगे तो इसके पत्ते छोटे रह जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और मेरा एक प्लाट पड़ा हुआ है और उसी में मैंने ऐसे ही कटिंग ला के लगा दी थी और इसको ध्यान नहीं दिया। गर्मियों में बहुत बुरी तरीके से ये देखिए झुलस गया था और बारिश हुई है और बारिश की ये ग्रोथ है, बारिश में बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगा है। और इन सब की अच्छी ग्रोथ है, इसके लिए आप अगर इसको आपने पानी में लगा रखा है तो ध्यान दे दें, इसको हफ्ते में 2 से 3 बार पानी बदलें, यानी कि हर दूसरे दिन इसका पानी ज़रूर बदल दें। इसके अलावा महीने में 1 से 2 बार सी वाई वीड या काउडंग लिक्विड इसके पॉट में डालें और ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। इसके अलावा कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र इन पौधों को ना दें। बहुत से लोग डीएपी या
एनपीके दे देते हैं कभी कभी, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। आप काउडंग इसके लिए पर्याप्त है, सीवीड इसके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दें, अक्सर लोग गलती करते हैं, अगर आपने इसको सॉयल में लगा रखा है तो इसकी जो मिट्टी होती है वो जब 50-70% तक ड्राई हो जाए तभी इसमें पानी दें। इसके अलावा इसको जो कच्चा दूध होता है उसको 1 लीटर पानी में आप मिला लें, और 1 लीटर पानी में मिलाकर उसमें कम से कम 20-25 ml कच्चा दूध मिला लें और उसका स्प्रे इसके पत्तों पर करें, और तो आप देखेंगे इससे इसको कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा जो चाय की पत्ती होती है उसको अच्छे से धुल लें, अगर आपने उसको चाय में इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छे से उसको धुल लें और उसका मीठापन ख़त्म कर दें, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से सुखा लें, तब इसका मिट्टी में आप गुड़ाई करके और उसमें ये चाय की पत्ती डाल दें तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उनको पत्ते क्यों पीले पड़ते हैं, उसकी वजह केवल ओवर वाटरिंग होती है या लो वाटरिंग होती है, और इसके साथ ही नाइट्रोजन की कमी या तापमान जो होता है उसमें उतार चढ़ाव होता है, इसकी वजह से भी ये पौधा अपने पत्तों को पीला कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग भी ना करें और बहुत ड्राई इसकी मिट्टी भी ना करें, नमी बनाए रखें। इसके अलावा जब भी आपको ऐसा लगे तो उसमें आप काउ डंग दे दें, जिससे ये पत्ते जो पीले पड़ रहे हैं वो पीले होना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो फिटकरी होती है उसको 1 लीटर पानी में लगभग 1/4 चम्मच घोल बना लें, और उससे इस पर महीने में 1-2 बार तक स्प्रे कर दें, ये कीटनाशक का भी काम करती है, और पौधे के जो घाव होते हैं जहाँ से पत्तियाँ आपने तोड़ी हो उनको भरने में भी ये बहुत लाभदायक होता है। और ये जो फिटकरी होती है गुलाब के पौधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से, उसमें भी ये बहुत काम आती है। इसके अलावा जड़ों को सड़ने से बचाने के लिए पौधे की जो मिट्टी होती है उसको सूखने दें, और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसके लिए आप किसी अच्छे फंगिसाइड का घोल बनाकर इसकी रूट में दें, और तो ये पौधा अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा गमले में मिट्टी जो होती है उसमें हल्दी या एप्सम साल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये पौधा स्वस्थ रहता है और इससे पोषक तत्व भी मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, पानी में जो नमक होता है उसको मिला दें, और उतना नमक मिलाएं जितना पानी आप पी सकते हैं नमक मिला हुआ, बहुत ना के बराबर नमक हल्का सा मिलाएं, बहुत ज़्यादा ना मिलाएं वरना इसके पत्ते सूख भी जाते हैं, और उसका भी इस पर आप छिड़काव कर सकते हैं तो भी इसको न्यूट्रिशन मिलते हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भाग जाते हैं, दूसरे इसके पत्तियों पर एक काई आ जाती है वो भी इससे हट जाती है। और लो लाइट में अगर आपने इन पौधों को ग्रो किया है तो ध्यान रखें, वहाँ पर आप बल्ब या ट्यूब लाइट की रोशनी थोड़ा बढ़ा दें, इंडोर अगर रखा है तो ये अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैंने टीन के पीपे बेकार पड़े हुए थे और उसी में मैंने 2-3 कटिंग ऐसे ही लगा दी थी, और इसको देखने वाला भी नहीं, कभी कभी 15 दिन के बाद आता था और पानी डाल देता था। देखिए यहाँ पर ग्रो हुआ है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।